ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, the power of yes and no. The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के बाद दिल्ली वापस लौट आई हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत देखकर विनेश फोगाट भावुक हो गए। विनेश फोगाट बिना मेडल जीते लौटी हैं, लेकिन उनके स्वागत में दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है और ये जन समर्थन देखकर विनेश फोगाट अपने आंसू रोक नहीं पाए। तस्वीरें हैं। तो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए सैकड़ों की संख्या में वहां पर समर्थक भी जमा थे जो जोरदार स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं स्वागत किया जा रहा है उनका, फूलमाला फैलाकर नोटों के भी माला पहनाया गया उनको। और यहाँ से लेकर चरखी दादरी जहाँ पर उनका आवास है, जहाँ घर है, बीच में कई कार्यक्रम भी है जहाँ उनको सम्मानित किया जाएगा, कई गांव में जाएंगी, लेकिन भावुक हो गई स्वागत देखकर। हालांकि बिना पदक जीते लौटी हैं स्वदेश, लेकिन उनका हौसला लोग बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने विजेता की तरह लड़ा, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट 100 ग्राम की वजह से वो मेडल से दूर रह गई। हो सकता था कि फाइनल मुकाबला होता, वो गोल्ड जीतती, अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का था, लेकिन 100 ग्राम की वजह से ओवरवेट उनको रखा गया और उनको बाहर रखा गया। लेकिन स्वागत अभिनंदन में कोई कमी नहीं, स्वागत उसी तरह से हो रहा। तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनेश फोगाट दिल्ली लौटी पेरिस से, दिल्ली एयरपोर्ट की बीच वाली तस्वीरें जहां जोरदार अभिनंदन हो रहा है और भावुक हो गए विनेश फोगाट। अनमोल बाली एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनमोल, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो तस्वीरें दिखाते रहिए, जानकारी पहुंचाते रहिए। अनमोल, आप हमें सुन पा रहे हैं? अनमोल, अगर आप सुन पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं आशुतोष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशुतोष जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आशुतोष थी वीआईपी एंट्रेंस से बाहर निकलती हैं, राइवल से बाहर निकलती हैं और अब वो अपना जो सफर है बलाली गांव के लिए शुरू करेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, दुपिंदर हुड्डा हो और भी जो अन्य हरियाणा के खाप पंचायत के नेता हैं, पंजाब और हरियाणा के जो बड़े किसान नेता हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अलग अलग जो स्पोर्ट्स अकेडमी से आए हैं और अलग अलग गाँव के, दिल्ली के साथ सटे के साथ सटे जो अलग अलग गांव के लोग हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, क्योंकि लोगों का पहले ही कहना था कि हालांकि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, गोल्ड जीते जीते रह गई हैं, पर तब भी जो उनका स्वागत है एक विजेता की तरह किया जाएगा, एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा, वही मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि लोगों ने हाथ में तिरंगा पकड़ रखा है विनेश फोगाट के स्वागत का। आप देख सकते हैं कि इस समय क्या माहौल है, लोग हैं, खाप पंचायत के नेता हैं, पर वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विनेश फोगाट हैं उनकी आंखें नम हैं। जब से वो एयरपोर्ट से बाहर निकली हैं यहां तक उनकी आंखें नम हैं। हालांकि मुझे खुशी के आंसू लग रहे हैं कि वो हार कर भी यहाँ जीती हुई दिख रही हैं और साफ तौर पर उनके जो अन्य कोच थे और जो पहलवानी से जुड़े हुए लोग थे जो विनेश को पहले से जानते हैं, उन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए बताया कि विनेश को समझाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट कर ये भी बताया था कि वो कुश्ती से संन्यास लेना चाहती हैं, तो उनको समझाया जाएगा। आने वाले 2028 ओलंपिक्स हो, 2036 के भी ओलंपिक्स हो, उनकी भी तैयारी कराई जाएगी और कहीं ना कहीं मेडल की जो जीत है फोगाट परिवार की, वो मेडल लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं विनेश फोगाट जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यहीं से कुछ देर बाद वो अपना सफर जो बलाली गांव की तरफ शुरू करेंगे, तकरीबन यहां से 130-140 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव बलाली है जहां उनकी माता जी हैं, वो वहां जाएंगी, उनको मिलेंगी। पर आप देख सकते हैं इस समय बड़ी भावुक तस्वीरें दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, आप देख सकते हैं कि उनके हाथ ऊपर कर कहीं ना कहीं एक विजेता के जैसे हाथ ऊपर किए जाते हैं मैट के ऊपर, रिंग के ऊपर, वैसे ही उनके हाथ ऊपर कर यहाँ पर आ सकते हैं तस्वीरों में दुपिंदर हुड्डा हैं, साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि विनेश तुम विजेता हो, कोई नहीं होना था वो हो गया, आगे की उनको तैयारी के लिए मनाया जाएगा। तो आप साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं
कि कैसे विनेश फोगाट का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। जहां भी आप देखेंगे भारत के झंडे होंगे, खाप पंचायतों के झंडे होंगे, किसान यूनियन के झंडे होंगे, और जो लोग हैं यहाँ स्वागत करने के लिए बड़ी गिनती में एकत्रित हुए हैं। और ऐसी ही बड़ी गिनती में लोग आशुतोष देखा जाएगा यहाँ से जब विनेश फोगाट अपना सफर शुरू करेंगी बलाली के लिए, इसकी दादरी के लिए, जो यहाँ 130-140 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 3-4 घंटे लंबा यह सफर है, पर उनके लिए और लंबा होने जा रहा है क्योंकि अन्य रास्ते में जो बड़े बड़े गांव पड़ेंगे वहां पर उनका स्टॉप होगा, वहां पर लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको बधाइयां भी देंगे, उनको आश्वासन भी देंगे, उनको हौसला भी देंगे। और अनमोल, हम देख पा रहे हैं बजरंग पुनिया भी वहां पहुंचे हुए हैं, साक्षी मलिक भी पहुंची हुई है, और ये देखिए भारत में ही संभव है, भारत देश अपना यहीं पर संभव है कि एक जीते हुए खिलाड़ी का तो भव्य स्वागत होता ही है, लेकिन खिलाड़ी अगर मेडल लेकर नहीं भी आया तो किस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अनमोल, चलिए हम दोबारा रुक करेंगे अनमोल का, लेकिन तीन तस्वीरें देखिए जरा, ये पहली तस्वीर जो आपको तो दिखा रहे हैं पर आ चुके दिल्ली एयरपोर्ट पर, जैसे ही वो दिखी स्वागत और जो वहां पर हुजूम है, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, उनमें खुशी की लहर। बीच वाली तस्वीर आप बजरंग पुनिया को भी देख रहे हैं, साक्षी मलिक भी हैं, और जो गाड़ी है इसी में विनेश फोगाट सवार हैं, हौसला अफजाई हो रही है, और जब भावुक होंगे विनेश फोगाट, वो तीसरी तस्वीर, जोरदार स्वागत अभिनंदन देखकर, सैकड़ों लोगों को देखकर, जाहिर सी बात है वतन की मिट्टी है और यहीं से सब कुछ है, और यहाँ से जब गई पेरिस में एक बड़ा सपना लेकर, बहुत बढ़िया मुकाबला भी खेला, फाइनल तक पहुँच गई थी, पहली भारतीय रेसलर बन गई थी फाइनल तक पहुँचने वाली, जीतती तो गोल्ड और हारती तब भी सिल्वर तो पक्का था, लेकिन टेक्निकल वजह 100 ग्राम ज़्यादा ओवरवेट और सपना चकनाचूर, हालांकि अपील की गई लेकिन फैसला पक्ष में नहीं आया। अनमोल बाली हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनमोल, ये भारत ही है, भारत में ये सब कुछ संभव है, जब आप जीत कर आते हैं तब भी जोरदार स्वागत, और अगर मेडल नहीं भी आया किसी कारणवश तब भी जोरदार स्वागत अभिनंदन, उसमें कोई कमी नहीं हम देख पा रहे हैं। आशुतोष, साफ तौर पर आपको मैं तस्वीरों पर दिखाना चाहूंगा कि अभी भी जो विनेश फोगाट है यहाँ ऊपर है, कार के ऊपर चढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है, और ना केवल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के भी यहाँ पर लोग आए हैं विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे हैं। नम आंखें हैं विनेश फोगाट की, पर तब भी जो उनका स्वागत है एक विजेता के तौर पर, एक गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बच्चों ने हाथ में तिरंगे पकड़ रखे हैं और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, विनेश फोगाट जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि इसकी विनेश फोगाट की बहुत लंबी लड़ाई थी। देखा गया कि उन्होंने यूक्रेन की, जापान की और क्यूबा के जो बड़े दिग्गज प्लेयर थे, जापान की प्लेयर जिसका अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि उनको कभी किसी ने नहीं हराया, उनको भी हराया, भारत की वो पहली महिला बनी जो फाइनल्स तक पहुंची, पर सिर्फ महज 100 ग्राम टेक्निकल जो उनका वेट बढ़ा हुआ था, महज 100 ग्राम, उसके कारण देखा जाता है कि उनको फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सारे भारत भर के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये दुख भरी खबर थी। उसके बाद वो कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की तरफ रुख करती है, वहां वो दो अपीलें देती है, पहली तो कि वो फाइनल खेलना चाहती है, हालांकि उनकी जो पहली अपील थी उसको खारिज कर दिया जाता है, पर उनकी जो दूसरी अपील थी कि उनको शेयर्ड सिल्वर मेडल दिया जाए क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल के लिए सेमीफाइनल को जीता है, उस पर बहुत लंबी बहस होती है। देखा जाता है हरीश सालवे जैसे दिग्गज वकील भी किए जाते हैं, विनेश फोगाट भी बड़ी वकीलों की टीम करती है, 5-6 दिन ये लंबी कार्रवाई चलती है, कहा जाता है फैसला कल आएगा, पर टलते टलते अंत में जो उनकी दूसरी अपील थी वो भी खारिज हो जाती है, तो बहुत ही उनके लिए इमोशनल पल है जीवन में, आप गोल्ड मेडल के इतना पास हो और वहां गोल्ड मेडल की इतनी और बाकी बस हमारा यही है कि हम उसको चैंपियन की तरह ट्रीट करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सराहना की है, जी जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, भले मेडल नहीं आए लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ाया, फाइनल पहुंच गए जी। स्टार्टिंग से ही जब से उन्होंने करियर की शुरुआत की है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, तीनों ने स्टार्टिंग से ही इतने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, तो हर मेडल पे ही उन्होंने देश का मान बढ़ाया है और आगे भी वो देश के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल,
उतर आया है और यहीं से वो अपना जो सफर है बलाली गांव के लिए शुरू करेंगे। जगह जगह वो रुकेंगे, लोग उनका स्वागत करेंगे, लोग उनको देखा जाएगा, झंडे भी देंगे, सरोपा भी डालेंगे और कहीं ना कहीं लोगों में हजूम भी है। और लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विनय, जो आपने फैसला लिया कि आप कुश्ती से संन्यास लेंगे, आप वो वापिस ले, आप आने वाले वक्त में 2028 और 2032 और भी जो अन्य बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट हैं उनकी तैयारी करें और आने वाले वक्त में आप मेडल जीत के भारत का नाम रोशन करें। आशुतोष, राजनीतिक जमावड़ा भी है, दीपेंद्र हुड्डा को हम देख पा रहे हैं, क्या और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर नेता और भी लोग मौजूद हैं वहां पर? दूसरी तस्वीर अनमोल, आपसे हम सवाल करके जब आप जवाब आप देंगे, उसके पहले ये जो तस्वीर है हम दिखा दें, खास बात ये है दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं, अब जरा ये तस्वीर देखिएगा, तीन इसमें ओलंपियन एक साथ नजर आ रहे हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने देश के लिए मेडल जीत लिया, ओलंपिक में परचम लहराया, लेकिन विनेश का सपना वो पूरा नहीं हो पाया, मेडल की रेस में थी लेकिन मेडल हासिल नहीं कर पाई। जी अनमोल, कौन कौन पहुंचा है, क्योंकि ये तस्वीर तो हम देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल और कौन जमावड़ा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा तो हमें नजर आ रहे हैं। आशुतोष, कल ही देखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों की जो बिगुल है वो बजा दिया है, उसी को देखते हुए मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी यहां थे, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और भी जो अन्य पुराने बड़े खिलाड़ी हैं जो उनके साथ देखा गया था कि जब बृजभूषण शरण सिंह और WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो उनका जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन था और भी जो उनके साथ प्लेयर्स थे वो तब भी इकट्ठे थे और आज भी वो इकट्ठे हैं। इस पल में जब विनेश फोगाट टूट चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो चुकी हैं, तो उनको हौसला देने के लिए वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहले दिन से ही वो विनेश फोगाट के साथ कॉल से बात करते थे, उनको हौसला देते थे, पर इस बीच ये भी देखा गया कि महावीर फोगाट जो विनेश फोगाट के ताया जी हैं वो भी नाराज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात कल देखा गया कि विनेश फोगाट एक बहुत लंबी ट्वीट करती हैं अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन सफर के बारे में लिखती हैं और भी बातें करती हैं, पर उसमें एक ट्वीट ये भी आता है, गीता फोगाट के जो पति हैं और विनेश फोगाट के जीजा हैं वो उस ट्वीट में ये भी लिखते हैं कि आपने महावीर फोगाट जो आपके गुरु हैं, जो आपको कुश्ती में लेकर आए, आपने उनकी कोई बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं इस मामले में देखा जा रहा है कि परिवार में फूट भी दिख रही है, पर उस सबको अगर पीछे रखा जाए और अभी की तस्वीरें अगर आपको दिखाई जाए तो आप देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है, आप देख सकते हैं कि कैसे साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दीपेंद्र हुड्डा और भी जो अन्य रेसलर हैं, खाप पंचायत के नेता हैं, किसान नेता हैं, यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का पूरा एक काफिला विनेश फोगाट के साथ चलेगा, बलाली गांव तक विनेश फोगाट जाएंगी और ये उनका बहुत लंबा सफर रहने वाला है, जगह जगह वो रुकेंगी, लोगों से बातचीत भी करेंगी, लोग उनका स्वागत भी करेंगे और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा सारे भारत भर के लोग हैं, ना केवल हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब से भी यहाँ लोग आ रखे हैं और दूर दराज के इलाकों से भी लोग आ रखे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट का जो अभी स्वागत किया जा रहा है आशुतोष, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि जो विनेश फोगाट है बिना मेडल जीते आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ओलंपियन ने मेडल जीता हो वैसा स्वागत किया जा रहा है। लोग सीधा सीधा हौसला देते हुए विनेश फोगाट को ये कह रहे हैं कि विनेश आप आगे की तैयारियां करो, आप आने वाले ओलंपिक्स और भी जो अन्य स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट है उनकी तैयारियां करो, उसमें मेडल जीतो, आने वाले वक्त में जो आपका स्वागत किया जाएगा इससे भी बड़ा किया जाएगा। तो आशुतोष, साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे हौसला अफजाई हो रही है विनेश फोगाट की। बिल्कुल, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, स्वागत जोरदार हो रहा है और मुझे लगता है अनमोल कि उनको अपने घर तक पहुंचने में काफी घंटे लग जाएंगे। हालांकि आशुतोष, जो बलाली गांव का सफर यहां से देखा जाए 130 से 140 किलोमीटर दूर विनेश फोगाट का बलाली गांव है, चरखी दादरी जिले में यह गांव पड़ता है, पर रास्ते में तकरीबन जो हर बड़ा गांव है वहां पर देखा जाएगा विनेश फोगाट की स्वागत की तैयारियां होंगी, भीड़ भड़क का भी होगा, उनको वहां रुकना भी पड़ेगा, लोगों से बातचीत भी करनी पड़ेगी, लोग उनका स्वागत भी करेंगे, कहीं ना कहीं उनके स्वागत में वो फूल माला लेकर भी खड़े होंगे। तो इस सफर को देखा जाए तो विनेश फोगाट जहां तक हमारा अंदाजा है तो शाम तक शायद अपने गांव बलाली पहुंचेंगी, वहां अपनी माँ को भी मिलेंगी, अपने और जो अन्य परिवार वाले हैं, गाँव वाले जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगी और वहां भी जो बलाली गाँव है उसके आस पास और भी जो गाँव के बलाली, कलाली, झोजू और भी जो साथ के गाँव है वहां के लोग भी इकट्ठे होकर विनेश फोगाट का स्वागत करेंगे। तो मेरे साथ सरपंच साहब जुड़ चुके हैं, ये आपके गांव की लड़की है,
स्वागत करने आप स्पेशल आए हैं चरखी दादरी से सरपंच साहब, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आए हैं और जिस तरह से गोल्ड मेडल का स्वागत है उससे कहीं बेहतर तरीके से, उससे ज्यादा कहीं खुशी से और चाव से ये उत्सव मनाने का काम करेंगे। और सारा इलाका सौरखाप पंचायत ने फैसला लिया है कि सारे पहलवानों के लिए, सभी चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे कोई भी, उनके स्वागत के लिए, उसके खाना पान के लिए देसी घी के लड्डू वगैरह जितने भी खल पान है वो मनवा रखे है और सारा बहुत अच्छी तरह धूमधाम से होगा। सरपंच साहब, इसी बीच ये भी देखा गया इस मामले पर राजनीति भी हो रही थी बहुत। देखिए, ये हरियाणा देश का गिरता हुआ, राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। खेल के क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन चीजों से ऊपर उठकर केवल खिलाड़ी का भविष्य की कल्पना करनी चाहिए हम सब ने। इसी बीच विनेश ने ये भी ट्वीट किया, कुश्ती से संन्यास ले लेंगे, उनको समझाया जाएगा जब गांव वाले आप लोग वहां पर बैठे। नहीं, हम प्रयास करेंगे, उसका लंबा भविष्य है और हम चाहते हैं कि मेरी बेटी, हमारी बेटी आगे लड़कर, और ये जो ये लक्ष्य था ये कहीं ना कहीं कम हो रहेगा था, उसको अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल इस देश के लिए जाए। तो ये थे मेरे साथ विनेश के पड़ोसी गांव झोजू के सरपंच, जहां स्पेशल चरखी दादरी से पहुंचे हैं विनेश का स्वागत करने के लिए। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल चुका है, हरियाणा के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग आए हैं। कहीं ना कहीं राजनीति के बड़े चेहरे भी देखा गया, कुश्ती के बड़े चेहरे भी यहां पर देखे गए। और इस सफर के बीच आशुतोष ये भी देखा गया कि विनेश फोगाट को बहुत हौसला मिला, चाहे नीरज चोपड़ा हो और भी अन्य जो ओलंपियंस हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के दिग्गज भी हैं, वो विनेश फोगाट के समर्थन में ट्वीट करते हुए दिखे, विनेश फोगाट के लिए दुआएं करते हुए भी लोग दिखे। पर हालांकि उनकी जो अर्जी थी सिल्वर में शेड सिल्वर मेडल की वो खारिज हो जाती है, पर हौसले पस्त होते नहीं दिख रहे। और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि विनेश फोगाट को हौसला दिया जाएगा और आने वाले और जो अन्य स्पोर्टिंग इवेंट्स है उनके लिए उनको तैयार किया जाएगा। आशुतोष, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर। जैसे ही विनेश फोगाट वहां पर आई, सैकड़ों की संख्या में पहले से लोग मौजूद थे उनके स्वागत के लिए, और स्वागत हो भी रहा है जबरदस्त जोरदार। आप देख पा रहे हैं गांव तक उनके जश्न की तैयारी है, लड्डू भी बन रहे हैं और बीच में जिस तरह से हमारे सहयोगी अनमोल बता रहे हैं कि तमाम जगहों पर उनको स्वागत की तैयारी भी चल रही है। विनेश भावुक भी हो गई उनसे जब सवाल पूछा गया और भीड़ को देखकर जिस तरह से उत्साहित भीड़ थी, अभिनंदन हुआ। साक्षी मलिक पहुंची हुई है उनके ठीक बगल में नजर आ रही हैं, बजरंग पुनिया वहां पर पहुंचे हुए हैं हौसला अफजाई के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स से भी, राजनीतिक दल के भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लीडर हरियाणा से वो भी पहुंचे हुए हैं। अब आप सभी को लिए चलते हैं चरखी दादरी, जहां पर विनेश फोगाट का गांव है, वहां पर उनको पहुंचना है और वहां से हमारे साथ जुड़े हुए सुशांत मेहरा। सुशांत, किस तरह की तैयारी लगातार हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट पर जश्न तो अभी से शुरू हो चुका है और विनेश का जोरदार अभिनंदन स्वागत किया गया, लेकिन चूंकि आप गांव में मौजूद हैं तो क्या कह रहे हैं गांव वाले, किस तरह की रौनक, क्या है तैयारी? देखिए आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत की तैयारी है तो आपने देखी भी, हमारे दर्शकों ने देखी, लेकिन अब हम आपको गांव में लेकर के आए हैं। चरखी दादरी बलाली ये गांव है और यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है और वहां पर आप तैयारी देखिए कि हलवाइयों को बिठाया गया है और जबरदस्त तरीके से पकौड़े, लड्डू, चाय, इन सब की तैयारियां जो है वो की जा रही है, क्योंकि अब से तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद विनेश फोगाट जो है वो यहाँ पहुंचेंगी। लेकिन उससे पहले की यह तैयारियां देखिए कि किस तरीके से जोरों शोरों के साथ उनके स्वागत की तैयारियों में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए और उनके साथ जो लोग आएंगे उनका भी स्वागत जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। हमारे साथ कई सारे लोग हैं और पीछे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है, टेंट लगाया गया है जहाँ पर विनेश फोगाट का स्वागत किया जाएगा। ये बताइए कि क्या कुछ तैयारी है विनेश के आने की? ये पकौड़े, चाय, लड्डू, इसकी तैयारी चल रही है। इतनी खुशी? हाँ जी, बहुत ज्यादा। विनेश फोगाट मेडल नहीं ले पाई लेकिन देश का नाम जरूर रोशन किया, फिर भी खुशी है उनके लिए। अच्छा, हाँ जी। और किस तरीके से जश्न मना रहे हैं आप सब? बहुत ज्यादा। चलिए और भी सबको तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्या बना रहे हैं भाई साहब आप? ये पकौड़े बन रहे हैं साहब। अच्छा, विनेश की खुशी में? हाँ जी। कितने आप खुश हैं और कितने गांव में तैयारियां, किस तरीके का इंतजाम? हम बहुत खुश हैं और उसके स्वागत के लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं। अच्छा। हाँ जी। लड्डू भी बनाए हैं? हाँ, लड्डू भी बना रखे हैं। अच्छा, और क्या कुछ इंतजाम, किस तरीके से स्वागत करेंगे आप लोग? हम स्वागत के लिए ही लग रहे हैं सर, बस हम इंतजार कर रहे हैं, विनेश फोगाट आए और तमाम तैयारियां चल रही हैं। गांव का नाम रोशन हुआ है पूरे देश भर के अंदर, पेरिस ओलंपिक के अंदर उन्होंने मेडल जीता लेकिन वो आ नहीं सका, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक मलाल था वो रह गया?
सर ये था, लेकिन हमको तो अब भी खुशी है क्योंकि गोल्ड से भी ज्यादा आई है, पहले भी आया था, मतलब अब भी हम तो ये सोच रहे हैं कि वो तैयारी है ना छोड़े, अपनी तैयारी में लगी रहे, बस हमारे लिए यही एक खुशी का पल है। देखिए तैयारियां जो है वो ना छोड़े, अगले ओलंपिक की तैयारी जो है वो करे, अपनी उम्मीद जो है वो बरकरार रखे, लेकिन आशुतोष ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश है उनके आने का, उनका जश्न जो है वो यहाँ पर है। एक कहीं ना कहीं निराशा जनती की मेडल नहीं है, लेकिन उस निराशा, चलिए नजर बनाकर रखिएगा, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, चलिए ये लगातार अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे, हर तस्वीर पर नजर है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।